आज सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह की गिरफ्तारी पर सुनवाई हुई। संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद से इस पे आज सुनवाई होनी थी। जस्टिस संजीव खन्ना और एस एन भट्टी की पीठ ने संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई की और ईडी से जवाब मांगा। आप नेता संजय सिंह की ओर से सर्वोच्च अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी की ओर से संजय सिंह की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए और इसे कानून की नज़र में शुरुआत से ही अमान्य बताया। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंघवी ने कहा कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में धारा 19 जो वैध गिरफ्तारी की आवश्यकताओं को निर्धारित करती है, शक्ति के मनमाने इस्तेमाल से सुरक्षा भी प्रदान करती है। इसके तहत लिखित में यह बताना होता है कि क्यों यह विश्वास किया जा रहा है कि व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है और व्यक्ति को गिरफ्तारी का आधार बताना होता है। रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस खन्ना ने कहा कि लेकिन हाईकोर्ट ने पाया है कि सिंह को 6 पन्नों में गिरफ्तारी का आधार बताया गया था। हालांकि वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह पूरी तरह अलग केस था। सिंघवी ने आगे कहा कि इसमें धारा 19 के 4 शब्दों वाले वैधानिक परीक्षण को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यह नोट किया जाना चाहिए कि ये 4 शब्द हैं: विश्वास का कारण, सामग्री का आधार, दोषी, गिरफ्तारी संभव। इस पर बेंच ने कहा कि धारा 19 की परिभाषा कुछ हद तक स्पष्ट नहीं है, दोष का फैसला अभी नहीं हो सकता है। हालांकि बेंच ने नोटिस भेजने पर सहमति जताई। जज ने सांसद को नियमित जमानत याचिका दायर करने की सलाह दी। कोर्ट ने कहा कि 11 दिसंबर को शुरू होने वाले सप्ताह तक जवाब मांगते हुए कहा कि इस बीच संजय सिंह नियमित जमानत के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि यदि यह दायर किया जाता है तो इस पर मेरिट के आधार पर अलग से विचार किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।